इमरान का मुझे छोटी सी लड़की से कहाँ किराया था, और बाकी की वो जब गई लड़के के पीछे शादी की होगी तो ऐसे पैदल चलती पैदल गई, बाकी नहीं भागना होता मतलब दौड़ना नहीं वो भागती नहीं। दूसरा वो थी ऐसी मतलब जब से चलने लगा वो हर किसी लड़के के साथ जाती है, वो दुराचारी औरत उसको घोषित करती है। ठीक है, उसकी गलती क्या थी, उसकी गलती इतनी सी थी कि उसने अपनी पसंद से किसी व्यक्ति से विवाह रचाया अपनी पसंद से। हम जो समाज में शादियां करते हैं वो माँ बाप की पसंद से होती है, और जब बच्चे ने खुद की पसंद से कर ली तो वो बदनाम कर दिया उसको, हमारा बदमाश ठहराते हैं। ये कौन ठहराता है, करने वाले कौन है, ये यूं नहीं करना है, ये यूं होना है। हम सब है, हमारी सोच है घटिया सोच है। आज कोई भी औरत अगर भाई बियर में खड़ी हो जाएगी कि भाई का आधा हिस्सा मैं लूंगी, कानून कह रहा है हर बेटी को अधिकार है, अगर मेरी बहन और मैं अपनी माँ के यहाँ पर जन्म लिया है, मेरी बहन और मुझे उस संपत्ति का आधा आधा हिस्सा मिलेगा, आधा बराबर लेगी, तो बहन आ जाएगी लेने के लिए, साहब हेमंत जी ने कहा था कि संपत्ति का अधिकार है, मैं भी लेना चाहती हूँ, लेने के लिए भाई क्या बोलेगा ना, तो भाग लम तेरे और आज के बाद तू मेरी सीढ़ी नहीं, मैं तेरी सीढ़ी नहीं। अरे कानून बना रखा है, उस कानून को आप मान नहीं रहे, बड़ा अपराधी कौन है, वो भाई जो कह रहा है, उस बहन ने तो अपना अधिकार लिया, ये बेटा बटे गेट देख भाई, एक बहन ने तो अपना अधिकार लिया, उस अधिकार को आप रोक रहे हैं, इसका मतलब सबसे बड़े अपराधी आप हैं, और आप हाँ इसकी क्या ससुराल में क्या भूख पड़ गई जो यहाँ मांगने के लिए, आप भी अपराधी हो गए, चाहे कितने भी बड़े भगवान की पूजा कर लो आपने अपराध किया, आपको भगवान माफ नहीं करेगा। सबसे पहले हमको अपनी सोच बदलनी है कि अगर आप सभी ये कहेंगे कि मैं एक औरत हूँ तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, इस दुनिया की एक भी औरत की बुराई नहीं करूँगी, एक भी औरत की बुराई नहीं करूँगी, क्योंकि बुरा कौन होता है, बुरा इंसान नहीं होता है, बुरे होते हैं उसके गुण उसकी विचारधारा जो उसके अंदर भरे पड़े हैं। किसी इंसान से नफरत नहीं करना है, उसकी बुराई से नफरत करना है, कोई भी व्यक्ति है उसकी बुराई से नफरत करना है, उस इंसान से नफरत नहीं करना है। एक औरत मेरे दिल्ली के अंदर मासूम सी लड़की आती है, कहाँ से, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, भूटान, बांग्लादेश, कहाँ से आती है, और आके वो क्या करती है, वो अपना धंधा का कोठा चला रही है, लड़कियाँ आती है और वहाँ कर रही काम। मैं एक लड़की से मिला, मैं मिलने के लिए गया, मैंने कहा नमस्ते बहन जी, उसने कहा यहाँ बहन शब्द नहीं होता है, मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है, मैं गलत नमस्ते कर दिया, तो मैंने उसका नाम लेके फिर नमस्ते किया, तो वो उसका नाम था रीता, मैंने कहा रीता जी नमस्ते, तो उसने रीता नमस्ते तो कर लिया, पर मैंने कहा बहन जी नमस्ते, तो उसने कहा बात नहीं कर, तो गया उसके कमरे में, उसने वो सबसे पहले क्या बोला, पैसे कितने देगा बता, तो मैंने उसको बताया उसकी गलती थोड़ी क्या, वो जहाँ बैठी हुई है वही है, आप पुजारी के पास जाओगे तो आपके तिलक लगाएगा क्या करेगा, ड्यूटी वो करेगा, वो अपना नौकरी कर रही है, अपना पेशा कर रही है, वो कहाँ गलत है। मैंने उसको पूछा बताओ क्या हुआ, बता क्या चाहिए, उसने मुझे बोला कि 500 रुपए लूंगा जी, बताइए क्या हुआ। आज बंधन मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली के द्वारा एक महिला सशक्तिकरण पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ढेवर कॉलोनी के सामुदायिक भवन में, ये आयोजन किया गया जिसमें 50 से 60 महिलाओं ने भाग लिया, और इन महिलाओं को हमारे बंधन मुक्ति मोर्चा के कार्यवाहक निदेशक नई दिल्ली श्रीमान निर्मल जी गोराना ने महिलाओं को जीवन जीने कला और उनके उद्यमिता विकास कौशल पर के बारे में बताया कि महिला को हम किस तरह रोजगार दें, उन्हें आगे बता रहे हैं, उन्हें हम किस तरह रोजगार से जोड़ें, उन्हें किस तरह आगे बढ़ाएं, उन्हें हम किस क्या उपलब्ध करवा सकते हैं जिससे वो महिला घर बैठे भी अपना रोजगार प्रारंभ कर सकती हैं, उसके बारे में बताया है। उसके बाद प्लस रेलवे दुर्घटना एक्ट के बारे में भी जिला विशेष प्राधिकरण भी भागीदार है इसमें, और उन्होंने रेलवे दुर्घटना में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि दुर्घटना नहीं हो, जब हम रेलवे में यात्रा कर रहे हैं तो हमें टिकट लेना चाहिए, किस तरह टिकट लेना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, हमें रेल में हमें दरवाजे पर खड़ा नहीं होना चाहिए, अदर बहुत सारे विषय पे हमको जानकारियाँ दे रहे हैं श्रीमान जी, और हम इसमें मैं सौरभ गुप्ता जिला संयोजक बंधन मुक्ति मोर्चा और हमारे
समरथ साथी गोविंद लाल जी और कुछ भैया आए हैं तमला में हमारी क्या कर रहे हैं हमारे बंधुमती मोर्चारी कार्यकर्ता तमला मेघवाल धापू भाई क्या कर रहे हैं पुष्पा लोहार एक मिनट और कलावती भाई जीवी भाई भानु भाई है ना मधुबेन आदि ने जानकारी दी है और ये महिलाओं को बता रहे हैं ये महिलाओं को विशाल आजीवन रोजगार के बारे में बता रहे हैं इस तरह के आयोजन कब कब होते हैं कैसे होते हैं ये आयोजन है हमारा कोई विशेष दिवस हो या कोई सरकारी कोई योजना हो उसको हमें फॉलो करना हो तो हम ऐसे हम गांव में ढाणी में वाड़ों में ऐसे आयोजन करते रहते हैं क्या इससे जागृति आ रही है मौसम हाँ इसमें 100% में से 40% तो महिलाओं में जागृति आई है और कुछ महिलाएं जो रोजगार से जुड़ रही हैं कुछ आगे बढ़ना चाहती है कुछ बोल रहे हैं सौरभ जी हमें कुछ काम दो हम घर बैठे रहते फ्री बैठे रहते हैं हमें कुछ काम दो कुछ कानून की जानकारी का अभाव है इनको कानूनी शिक्षा नहीं है उससे बारे में जागृति आ रही है पहले तो महिलाएं कानून के नाम से डरती थी पुलिस के पास नहीं कुछ भी इनके घर में प्रॉब्लम आती थी चाहे वो पारिवारिक प्रॉब्लम हो जमीन की प्रॉब्लम हो झगड़े का हो तो पुलिस के पास नहीं जाती थी अब ये सब महिलाएं इनको जानकारी दे रहे हैं हम बार बार इनको जागरूक कर रहे हैं ऐसे शिविर लगा के तो इनमें जागृति आ रही है जागरूकता आ रही है और ये अपनी समस्या को बहुत निपुण से और बड़ी सहनशीलता से अपनी समस्या रख रही है आप और आपकी टीम क्या तनख्वाह पे काम करती है कैसे करते हो आप नहीं हमारा देखो अभी तो कुछ नहीं हम अपनी स्वैच्छिक सेवाएं दे रहे हैं अपनी हमारा यही उद्देश्य है कि महिलाएं आगे बढ़ें और महिला आगे बढ़ के इनको कोई रोजगार मिले और नारी शक्ति को हम आगे बढ़ाएं हमारा और कोई नहीं हमारा संस्था है और हमारा वैसे गवर्नमेंट से हमारा प्रोजेक्ट रहता है अभी हमारा प्रोजेक्ट ना होते हुए भी हम महिला को आगे बढ़ा रहे हम तो हमारा यही उद्देश्य है कि महिला आगे बढ़े और ये आगे बढ़ के कुछ ऐसा काम करें जिससे पूरा देश को और कोई भी गलत हो वहाँ विरोध करे तो हम ये पूरा संगठन हमारे साथ जुड़ा हुआ है ताकि इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा योजना का लाभ दिलवा सकें इनको जोड़ सकें इनको हर चीज़ का लाभ दिलवा सकें वाटर बन रहे थे और वहाँ मजदूरों से बिना पैसे काम करवाया जा रहा था उन मजदूरों का मैं परसों से वहाँ लगा पड़ा और रात तक कितने घूमते आ रहे रेलवे वाले बड़े बड़े मास्टर आए ये पीछे नहीं हटा अभी नोएडा के अंदर उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर मेरे ऊपर हमला हो गया इतना बड़ा वो चाकू लेके आया यहाँ मेरे पीछे लगा हुआ क्योंकि आप देखेंगे पकड़ के पूरा हमला गुस्सा पर गुस्सा नहीं मेरे अंदर मैं यूं हुआ ना तो खाली उसके ऐसे जैसे चीरा पड़ता है ना खाली हल्का ये मैं बंदों मजदूर ने छुड़वाने गए थे और माँ पीछे से किसने ऐसे इतना हाई रिस्क मामला हुआ पीछे से उनको पता हुआ था वो उनका ये कहना है कि ये औरतों में हाथ लगा था और जिस दिन इस देश की औरतें चेत गई जिस दिन इस औरतें देश की चेत गई ये देश बहुत ऊंची चार मीनार पे पहुंच जाएगा आज हमारे देश में सबसे हम कमजोर क्यों हैं हम इसलिए कमजोर हैं कि ऐसी कोई भी औरत यहाँ बैठी उसमें से ये बता दो कोई भी औरत बता दो कि मेरे घर के अंदर आदमी और औरत के अंदर भेद नहीं होता एक औरत भी मुझे बता दे मैं अपना सब कुछ छोड़ के सन्यासी के मंदिर में लूंगा मैं यहाँ सन्यासी बन के बैठूंगा एक भी औरत बता दे कि यहाँ औरत आदमी में भेद हमारे घर में नहीं होता और कोई खड़ा हाथ है फिर मैं पूछूंगा बात करूंगा कोई है जो कहते हैं कि हमारे घर में तो औरत ना आदमी बराबर है मैं कुछ कह रहा हूँ समझ में आ रहा है एक भी औरत बता दे जिसके घर के अंदर औरत और आदमी में भेद नहीं होता है ये औरत है या आदमी ऐसा किसके घर में नहीं होता है फिर मैं उससे पूछूंगा और फिर वो बताएगा कि हाँ मेरे यहाँ होता है कोई नहीं हर औरत को हर आदमी चाहे मेरी माँ हुई मैं उसको भी दबाता हूँ नीचे बैठ ज्यादा मत बैठ